दीपावली से पहले दिल्ली के लाखों लोगों को 24 अक्टूबर शनिवार को केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली को तोहफा दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शाहदरा जीटी रोड पर शास्त्री पार्क और सीलमपुर में बनाए दो नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आप सरकार हर परियोजना में पैसे बचाकर लोगों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित कर रही है। केजरीवाल ने यहां के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मंजूर किए गए 303 करोड़ रुपए के विपरीत में 250 करोड़ रुपए में ही दोनों फ्लाईओवर बनवाए और इस परियोजना पर 53 करोड़ रुपए बचा दिए। बता दें कि इन दोनों फ्लाईओवर के शुरू होने से जीटी रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश सीमा के बीच केवल दो लाल बत्ती ही रह गई। फिलहाल जीटी रोड पर आईएसबीटी से गांधीनगर और शाहदरा जाने वाले मार्ग पर सीलमपुर तो वन वे फ्लाईओवर था, लेकिन सड़क के दूसरी तरफ यानी दिलसा गार्डन से आकर आईएसबीटी की ओर जाने वाले जाम में फंस जाते थे। अब जाम से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।